वेलकम बैक टू ट्रांजिस्टर सीरीज। और आज का हमारा चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल रनअवे एंड स्टेबिलिटी। जब एक इंजीनियर कोई डिवाइस बनाता है, इन्वेंट करता है, तो उसके सारे प्रोज को स्टडी करता है, एंड बिफोर रिलीजिंग और लॉन्चिंग द डिवाइस वो उसके कॉन्स को भी रिसर्च और एनालाइज करता है, और उसको अगर पॉसिबल है कि उसको ओवरकम कर सके, यानी कि उसके वजह से जो प्रॉब्लम्स, जो दिक्कतें हैं उसको ओवरकम कर सके, उसको नलीफाई कर सके, तो उसको करने के बाद, उसको सॉल्व करने के बाद ही वो प्रेजेंट करता है दुनिया के सामने। सो दिस इज व्हाट ऑल इज एक्चुअली डन बाय, एवरीथिंग इज डन बाय एन इंजीनियर बिफोर फाइनलाइजिंग और कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द डिवाइस। ऐसा नहीं कि मैंने उसके एडवांटेजेस देखे, बहुत फ़ायदे भैया, बहुत बढ़िया, सस्ता पड़ेगा, सिर्फ ये नहीं, उसके वजह से जो दिक्कतें आ रही है, तो क्या दिक्कत आ रही है, जल्दी से आपको ये वाला इक्वेशन पे लेकर चलता हूँ, जहाँ से दिक्कत आपको दिखाई और समझ भी आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैं ले लेता हूँ आपके लिए दिस आईसी की जो पॉपुलर इक्वेशन है बीटा आईबी। ठीक है, सब जानते हैं और यही हम मोस्टली यूज करते हैं, बट हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंट्स फ्लोइंग थ्रू ए ट्रांजिस्टर में क्या समझा पड़ा था एक्चुअली में, साथ ही साथ बीटा प्लस वन इंटू ICBO, ये वाला भी एक लीकेज करंट फ्लो कर रहा है, ICEO है, इसी को ICEO बोलते हैं, लेकिन मैं बीटा प्लस वन ICBO फुल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा मेन इक्वेशन है। तो ये जो छोटा सा चीज़ है, इसको नॉर्मली हम क्या कर रहे थे, इग्नोर या नेग्लेक्ट कर रहे थे, क्योंकि बहुत फिबल करंट होता है, नैनो एम्पियर टाइप के रेंज में होता है, बट ये कभी कभी एक छोटी सी चीज़ बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, एक कील की वजह से, एक नाल नाल की वजह से, घोड़ा घोड़े की वजह से राज्य खो जाता है, ऐसा कुछ, वो चीज़ें भी अकाउंट करनी पड़ेंगी एक इंजीनियर को। तो इस ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, व्हाट प्रॉब्लमेटिक थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, यहाँ पे हम इसको समझने वाले हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करने की कोशिश हम करेंगे। और दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, थर्मल रनवे एंड स्टेबिलिटी में हम यही करने वाले हैं। बिफोर दैट एक चीज़ जल्दी से याद करा दूँ आपको कि एक डायोड में, एक सेमीकंडक्टर जंक्शन डिवाइस में क्या होता है, पीएन जंक्शन डिवाइस में एक रिवर्स सेचुरेशन करंट फ्लो होता रहता है, एंड दैट रिवर्स सेचुरेशन करंट, जो कि आई नोट से हम डिनोट करते हैं, इट मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर रादर देन ऑन अप्लाइड पोटेंशियल और वोल्टेज पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करता, ये टेम्परेचर पे ज़्यादा डिपेंड करता है। ये सब हमारे लिए रिकॉल है, आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू हेयर, बट जस्ट एक रिकॉल है, एक जल्दी से एक रिमेंबर करा दूँ आपको कि आई नोट की वैल्यू जो है इस तरह से चेंज होती है। देखिए आई नोट वन इज इक्वल टू आई नोट टू किस तरह से डिपेंड करेगा, टू टू द पावर टी टू माइनस टी वन डिवाइडेड बाई टेन, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, ऑल दो दिस देर इज नो यूज ऑफ दिस फॉर्मूला, लेकिन हम हमेशा रिकॉल करके चलेंगे चीज़ों को। इसका सिंपल मतलब है कि T1 और T2 का डिफरेंस अगर 10 डिग्री होगा तो 10 बाई 10 1 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, ये 2 का पावर 1 मतलब 2। तो इसका सिंपल मतलब है कि टेम्परेचर अगर 10 डिग्री बढ़ जाता है तो ये आई नोट बन के आई नोट 2 बन जाता है, आई नोट 1 आई नोट 2 बन जाता है, यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कोरस्पॉन्ड्स टू ट्वाइस चेंज इन द लीकेज करंट और रिवर्स सेचुरेशन करंट। ठीक है, आई नोट रिवर्स सेचुरेशन करंट होता है, तो ये ICBO भी तो उसी टाइप का करंट है, तो ये भी तो हीट पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ये भी तो बदलेगा, ये भी तो बढ़ेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे चीज़ों को। एक चीज़ जल्दी से बता दूँ, ICBO को ICO से भी नोट किया जाता है, लिखा जाता है, इसका सिंपल मतलब है एक तरह का ये रिवर्स सेचुरेशन करंट है जो कलेक्टर से रिलेटेड है, तो इसलिए ICO भी शॉर्टकट में लिखा जाता है, और इसको कलेक्टर रिवर्स करंट भी बोला जाता है और कलेक्टर लीकेज करंट भी बोला जाता है। लीकेज मतलब कहीं ना कहीं हमारे लिए लीक है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, लीक हो रहा है, ये लीक हो रहा है, ये लीक कैसे हो रहा है ये अभी हम देखेंगे, लीकेज क्यों है, लीकेज एक बैड चीज़ होता है कैसे, देखिए पहले समझिए ध्यान से बेसिक चीज़ों को, ओमिक सिद्धांतों को याद करते हैं थोड़ा सा। आईसी अपने आप में कलेक्टर करंट तो है, लेकिन एक तो करंट है ये, तो करंट की वजह से क्या होगा, हीट डेवलप होगा। ऑल दो आपने क्वेसेंट पॉइंट पे, साइलेंट पॉइंट पे, ऑपरेटिंग पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे, एक सर्किट में, एक ट्रांजिस्टर सर्किट में आईसी को फिक्स कर दिया है, फिर भी फिक्स रूप से भी फ्लो करते हैं, ऐसा नहीं कि बढ़ रहा है घट रहा, फिक्स कर दिया फिर भी हीट तो डेवलप होगा ही। ठीक है, हीट डेवलप होगा तो टेम्परेचर राइज होगा सर्किट में, टेम्परेचर राइज होगा तो फिर क्या होगा, ये वाला इफेक्ट आएगा पिक्चर में, ये वाला इफेक्ट आएगा, तो आपका फिर ICO, जिसको ICBO भी यहाँ लिखा हुआ है, ICBO अल्टरनेटली ICO की बात है, वो आपका बढ़ जाएगा, ICO बढ़ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो ICO बढ़ेगा, यानी ICBO ये जो बढ़ेगा, तो ये तो ICO का अपने आप में एक हिस्सा है, आप कहते हो कि ये बढ़ा दिया मैंने, इंडिपेंडेंटली मैंने किसी तरह से बढ़ा दिया, तो ये बढ़ेगा आपका, मतलब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ऑब्वियसली दिस इज पार्ट ऑफ इट।
सो यहाँ पे हो क्या रहा है, फिर से देखिए इस बात को ध्यान से, आई सी इज इक्वल टू बीटा इंटू आई बी, समरी है यहाँ पे बस, वन प्लस बीटा इंटू आई सी ओ। मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, व्हाट आई एम सेइंग इज आई सी फ्लो होने की वजह से हीट डेवलप हुआ, हीट की वजह से टेम्परेचर राइज हुआ, ठीक है, हीट की वजह से आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं चीज़ों को, ओके लेट मी टेक दिस। हीट बढ़ा तो आपका टेम्परेचर राइज हुआ, टेम्परेचर बढ़ने से ये बढ़ेगा, ये चीज़ बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इस इक्वेशन से सिंपल दिख रहा है कि ये फिर आईसी बढ़ जाएगा। सो एक फिर से क्या होगा, फिर आईसी की वजह से हीट बढ़ेगा, फिर हाई टेम्परेचर बढ़ेगा, आईसी बढ़ जाएगा, आईसीओ बढ़ जाएगा, आईसीओ बढ़ेगा तो फिर आईसी बढ़ जाएगा। सो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि डिस्पाइट कीपिंग दिस थिंग कॉन्स्टेंट, इसको कॉन्स्टेंट रख के भी, स्टेबलाइज करके भी, क्यू पॉइंट फिक्स करने के बावजूद भी अनविलिंगली ये चीज़ बढ़ रहा है। इसको ध्यान दिया इंजीनियर्स ने कि भैया ये चल क्या रहा, एंड इस इफेक्ट को कहते हैं कुमुलेटिव इफेक्ट। एक कुमुलेटिव इफेक्ट हो रहा है हमारे इस सर्किट में, इस ट्रांजिस्टर के सर्किट में कुमुलेटिव इफेक्ट हो रहा है। कुमुलेटिव इफेक्ट मतलब आईसी की वजह से आईसीओ बढ़ा इनडायरेक्टली हीट की वजह से, और आईसी की वजह से फिर ये बढ़ गया। तो ये आपस में, ये अगर शॉर्टकट में इस बात को समझे तो ये कह सकते हैं, इसको हटाइए, इसका मतलब ये है कि आईसी की वजह से आईसीओ, आईसीओ की वजह से फिर आईसी बढ़ जा रहा है, आईसी की वजह से आईसीओ, आईसीओ की वजह से फिर आईसी बढ़ जा रहा है, और इस बढ़ने के चक्रव्यूह में हीट भी आपका डेवलप हो रहा है, हीट भी तो बढ़ता जा रहा है बीच में। तो मेन कंसर्न यहाँ हमारा हीट है, यहाँ पे देखिएगा हीट हमारा अल्टीमेटली बढ़ रहा है, मेन कंसर्न ये है कि हीट बढ़ता जा रहा, हीट बढ़ता जा रहा। तो एक ऐसा, ये बढ़ रहा तो ठीक है, बहुत मैटर नहीं कर रहा क्योंकि नेग्लिजिबल बढ़ रहा होगा, लेकिन ये हीट आपका एक टाइम आएगा जब बहुत देर तक सर्किट काम कर रहा होगा, तो हीट आपका एक ऐसे चरम सीमा पे जाएगा, एक ऐसे अपर लिमिट पिनेकल पे पहुँचेगा कि इस हीट की वजह से डैमेज हो सकता है आपका ट्रांजिस्टर, है ना। तो अल्टीमेटली द ट्रांजिस्टर विल अल्टी ऐसा अगर होता रहे तो अल्टीमेटली द ट्रांजिस्टर, द ट्रांजिस्टर को मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ट्रांजिस्टर विल बर्न आउट, ट्रांजिस्टर आपका क्या होगा, बर्न आउट हो जाएगा, जस्ट सिंपली बिकॉज ऑफ दिस कुमुलेटिव इफेक्ट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ हीट, हीट बढ़ने की वजह से। तो एक चीज़ हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, बहुत सुंदर सा वर्ड है सेल्फ, मतलब अपने आप ही हो रहा है, यू आर नॉट एक्सटर्नली डूइंग समथिंग बट इंटरनली द थिंग्स आर हैपनिंग, सो सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो रहा है एक तरह से। बर्न आउट क्या है, डिस्ट्रक्शन है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ, अच्छा मतलब ये जो हो रहा है आईसीओ की वजह से आईसी बढ़ना, आईसी की वजह से आईसीओ बढ़ना, ये आपने कहीं ना कहीं इसको आपने कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, आपने इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं की, आपने अनस्टेबलाइज रहने दिया सर्किट को, तब ये ऐसा हुआ है। इसलिए मैं लिखूंगा सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ अनस्टेबलाइज्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनस्टेबलाइज्ड, आप समझ गए होंगे, है ना, अनस्टेबलाइज्ड सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ अनस्टेबलाइज्ड ट्रांजिस्टर, सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ अनस्टेबलाइज्ड ट्रांजिस्टर इज नोन एज थर्मल रनवे, इसी को कहते हैं थर्मल रनवे, बेसिकली बर्नआउट हो जाना, सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाना, क्यों, अनस्टेबलाइज्ड होने की वजह से। और अनस्टेबलाइज्ड का पूरी कहानी यहाँ पे आपको समझ में आ रही होगी, अनस्टेबलाइज्ड का क्या मतलब है, यहाँ से एसोसिएटेड है सारी बातें, इसी को थर्मल रनवे कहते हैं। अब इससे हमको गेट रीड होना है, यानी कि इससे छुटकारा पाना है, तो क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू अवॉइड थर्मल रनवे, क्या करेंगे हम, इन ऑर्डर टू अवॉइड थर्मल रन, सॉरी दिस इज नॉट रन, इन ऑर्डर टू अवॉइड थर्मल रनवे को अवॉइड करने के लिए स्टेबिलिटी करनी होगी, है ना, इन ऑर्डर टू अवॉइड थर्मल रनवे, ठीक है, और हैंस जो इसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ऑब्वियसली डिस्ट्रक्शन इज इट सेल्फ मीन्ड बाई दिस वर्ड, सो इन ऑर्डर टू अवॉइड थर्मल रनवे इट बिकम्स एसेंशियल, ये एसेंशियल हो जाता है, क्या एसेंशियल हो जाता है,
सिंपली टू स्टेबिलाइज। अब स्टेबिलाइज का डिटेल मतलब समझेंगे हम, बट अभी लिख देता हूँ मैं इसके लिए कि इट इज एसेंशियल टू स्टेबिलाइज द ट्रांजिस्टर और उसके ऑपरेटिंग पॉइंट, प्रिसाइजली स्पीकिंग उसके ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबलाइज करना। ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबलाइज करना मतलब बेसिकली आईसी की वैल्यू को स्टेबलाइज करना, आईसी की वैल्यू को स्टेबलाइज करना। और किस तरह से स्टेबलाइज करना है, मतलब आईसीओ में चेंज, देखो आईसी की वजह से हीट बढ़ेगा, हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर की वजह से आईसीओ बढ़ेगा, लेकिन फिर आईसी की वजह से मेरा जो आईसी, आईसीओ की वजह से जो मेरा आईसीओ बहुत ज़्यादा ना बढ़े या बदले, उसको कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करना ही स्टेबलाइज करने की बात है। तो अब हम बात करेंगे स्टेबलाइजेशन की, स्टेबलाइजेशन क्या होता है। तो अब हमारा बात आ जाता है स्टेबलाइजेशन, और साथ ही साथ हम इसी को, इस स्टेबलाइजेशन हम कितना किए हैं, अप टू व्हाट एक्सटेंट आई हैव डन द स्टेबलाइजेशन, हाउ इज माय स्टेबलाइजेशन, हाउ गुड इज माय स्टेबलाइजेशन और हाउ बैड इज माय स्टेबलाइजेशन, हाउ मच इज माय स्टेबलाइजेशन, उसको हम एक न्यूमेरिक वैल्यू से मेजर करेंगे, तो उसी को स्टेबिलिटी फैक्टर बोला जाएगा। स्टेबिलिटी फैक्टर, स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है, सिंपली मेजर कर, इसको एस से डिनोट किया जाएगा, एक पैरामीटर बन के निकलेगा ये। जैसे आपका मार्किंग सिस्टम किया जाता है कितना, हाउ मच इंटेलिजेंस यू आर, इंटेलिजेंट यू आर, हाउ मच ब्रिलियंट यू आर, हाउ मच इज योर परफॉर्मेंस, हाउ गुड यू आर इन स्टडीज, हाउ बैड यू आर इन स्टडीज, तो उसको आपके मार्क्स से पता चलता है। उसी तरह से एक फैक्टर हमें बनाना पड़ेगा, एक मार्किंग सिस्टम बनाना पड़ेगा, तो वो स्टेबिलिटी फैक्टर है। इसको हम देखेंगे अभी, डिफाइन करेंगे अभी इसको हम। बट स्टेबलाइजेशन को डिफाइन अगर करने से कोई पूछता तो आप लिखिएगा हाउ स्टेबलाइजेशन इज डिफाइंड। सिंपल है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द ऑपरेटिंग पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑपरेटिंग पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑपरेटिंग पॉइंट, दैट इज बेसिकली आईसी को ही हम कंसर्न लेके चलेंगे, हमारा आईसी बहुत बड़ा कंसर्न है। तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग, क्योंकि आईसी अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो हीट फिर डेवलप होगा, इसलिए हम आईसी को ज़्यादा बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। तो इसको आईसी को हम कोशिश करना चाहते हैं कि कांस्टेंट रखे, आईसी कांस्टेंट, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑपरेटिंग पॉइंट आईसी कांस्टेंट, डिस्पाइट मेरा आईसीओ, आईसीओ चेंज होता रहे इन फेस ऑफ, मतलब इसके सामने ही, इन फेस बोलते ना आपके फेस के सामने ही मैं काम कर रहा हूँ, यानी कि देखिए पूरा पढ़िए तो आपको बात समझ में आएगा। इन फेस ऑफ, बहुत सुंदर सा लैंग्वेज है ये, इन फेस ऑफ वेरिएशन ऑफ माई आईसीओ या आईसीबीओ, जिसको आप कहते हो वही है, डोंट गेट कन्फ्यूज कि ये आईसीओ क्या है, आईसीओ ठीक है। तो आईसीओ के वेरिएशन के सामने ही, इसके फेस, इन फ्रंट ऑफ इट, इन फ्रंट ऑफ वेरिएशन ऑफ आईसीओ भी कह सकते हैं, कि इन फ्रंट ऑफ आईसीओ के वेरिएशन के फ्रंट में मेरा आईसी जो है वो चेंज कम से कम हो, खराब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चेंज हम ना होने दें, कम से कम चेंज हो, ऐसा कुछ करने की प्रोसेस को ही कहते हैं स्टेबलाइजेशन, इट्स कॉल्ड स्टेबलाइजेशन, ठीक है, इट्स कॉल्ड स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन। तो व्हाट इज स्टेबलाइजेशन, इज मेकिंग द आईसी वैल्यू ऑफ आईसी कांस्टेंट करने की कोशिश करना। और इसको मेजरमेंट करने का जो एक्सटेंट है, ये जो मेजरमेंट करने का जो टूल है, जो फैक्टर है, उसको स्टेबिलिटी फैक्टर कहा गया है। तो इसीलिए स्टेबिलिटी फैक्टर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या होता है। स्टेबिलिटी फैक्टर, स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है, जिसको एस से डिनोट किया जाएगा, ठीक है, एस से डिनोट किया जाएगा। ये सिंपली एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है कह सकते हैं। इसमें क्या होगा, आईसी की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी आईसीओ के बढ़ने की वजह से, तो इसकी वजह से इसमें जो चेंज हो रहा है, इसके चेंज की वजह से इसको, इसमें जो चेंज हो रहा है, इसमें रेट ऑफ चेंज के रेस्पेक्ट में इसका रेट ऑफ चेंज क्या है, वही कहलाता है स्टेबिलिटी फैक्टर। तो सिंपली मैं अगर लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो कहेंगे द रेट ऑफ चेंज, बहुत सिंपल सा और बहुत ही फेमस सा डेफिनेशन है इसका, ऐसा हमेशा डेफिनेशन मिलेगा आपको साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई में, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट आईसी विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, इसको मैं पूरा लिखने जा रहा हूँ, कलेक्टर लीकेज करंट,
आप ऑलरेडी जानते हो क्या है, आईसीओ है, मतलब आईसी के रेट ऑफ चेंज ऑफ आईसी विद रिस्पेक्ट टू दिस चेंज इज कॉल्ड, इज सिंपली कॉल्ड स्टेबिलिटी फैक्टर, स्टेबिलिटी फैक्टर जिसको कि एस से डिनोट किया जाएगा। तो एस की वैल्यू क्या आएगी, सिंपली एस की वैल्यू आएगी चेंज इन आईसी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन आईसीओ। अब यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स, कुछ कन्फ्यूजन बच्चों को होता है कि स्टेबिलिटी फैक्टर नाम से तो ऐसा लग रहा है कि एस की वैल्यू मेरी जितनी अच्छी होगी स्टेबिलिटी उतनी अच्छी होगी, बट ना ऐसा कुछ नहीं, नाम से मत जाइए, आप समझिए इस वैल्यू को। मेरा एस का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा इसका सिंपल मतलब है कि मेरा स्टेबिलिटी फैक्टर ज़्यादा है, इसका मतलब कि आईसी मेरा ज़्यादा बढ़ रहा है आईसीओ के रेस्पेक्ट में। सो ठीक है, इस बात को समझने के लिए मैं एक बात लिख देता हूँ आपको कि इफ़ एज द वैल्यू ऑफ एस इज हाई, सपोज एस की वैल्यू हाई है, इसका मतलब चेंज जो हो रहा है, चेंज इन आईसी विथ रिस्पेक्ट टू आईसीओ इज ऑल्सो हाई। क्या ये हमें चाहिए? विच इज नॉट डिजायरेबल नहीं है, ये डिजायरेबल ये हमें नहीं चाहिए भाई। आईसी ज़्यादा बदल रहा है आईसीओ के चक्कर में, ये हमें नहीं चाहिए। तो व्हाट इज का मतलब क्या है, हाई वैल्यू इज नॉट डिजायर्ड, हाई वैल्यू इज नॉट डिजायर्ड, इसका मतलब क्या है, एस शुड बी एज लो एज पॉसिबल, इसका सिंपल मतलब है। ठीक है, लो वैल्यू ऑफ एस इंडिकेट्स, ठीक है, गुड स्टेबिलिटी। ठीक है, तो एस की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी अच्छी है, एस की वैल्यू 1 इज द बेस्ट वैल्यू एंड इट द आइडियल वैल्यू, IDEAL, आइडियल वैल्यू, आइडियली कभी मिलेगा नहीं आपको, लेकिन हम चाहेंगे कि एस की वैल्यू 1 हो। एस की वैल्यू 1 होने का सिंपल मतलब है कि इसके चेंज के साथ इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब कि कॉन्स्टेंटली चेंजेज, कॉन्स्टेंट टाइप का कुछ वैल्यू आ रहा है, चेंजेज नहीं हो रहा, लगभग चेंजेज हो रहा लेकिन इक्वली चेंज हो रहा, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम्स चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, एस की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती कभी, चेंज विल ऑलवेज हैपन, बट मिनिमम वैल्यू आपको याद रखना चाहिए, स्टेबिलिटी फैक्टर की जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 होगी, एंड यही मिनिमम वैल्यू बेस्ट वैल्यू है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ एस, मिनिमम वैल्यू ऑफ एस इज बेस्ट। ठीक है, एस की जो मिनिमम वैल्यू है वही बेस्ट वैल्यू है, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि एस की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब कि गुड वैल्यू, एस का वैल्यू लेस होना मतलब ए गुड वैल्यू। तो यहाँ तक तो हमने एस को समझ लिया, और एस का हमने फाइनली क्या देखा, चेंज इन आईसी, रेट ऑफ चेंज इन आईसी विद रिस्पेक्ट टू आईसीओ, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। ठीक है, मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स पढ़े हो आप बेहतर जानते होंगे। अब यहाँ से जल्दी से ये, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि आईसीओ जो है वो एक लीकेज करंट है, बहुत फीबल करंट है, और लीकेज करंट को हम अकाउंटिंग या मेजरमेंट या कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं रखना चाहते, इसलिए स्टेबिलिटी फैक्टर को डेफिनेशन भले ये है लेकिन हम मैथमेटिकली ये यूज नहीं करना चाहते। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम लोग उससे बचना चाहते हैं, कहीं ना कहीं बीटा हमारा एक मार्क्ड वैल्यू हो सकता है, आईबी भी हम इनपुट वोल्टेज, इनपुट सप्लाई देंगे, इनपुट हमारा जो होगा आईबी ही होगा, तो इन चीज़ों के बेसिस पे हम एस को डिफाइन करना चाहते हैं, बेसिकली नॉट डिफाइन, कैलकुलेट करना चाहते हैं। जब भी हम एक सर्किट को डिज़ाइन करें, जब भी हम एक सर्किट बनाएं ट्रांजिस्टर का, तो बीटा की वैल्यू और आईबी के वैल्यू पे एस की बेसिस पे एस की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, पता करेंगे। तो देखिए वहाँ से कैसे निकलेगा, हम जानते हैं आईसी इज इक्वल टू बीटा इंटू आईबी प्लस 1 प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई आईसीओ, सो फार सो गुड जानते हैं हम। अब सिंपली क्या करो, डिफरेंशिएट करो दोनों साइड को, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स मैथमेटिक्स कर रहा हूँ, विथ रेस्पेक्ट टू आईसी के रेस्पेक्ट में करो। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज़ है, लोग सोचेंगे कि आईसी हमारा डेफिनेशन क्या है एस का, फिर से लिख देता हूँ, डी आईसी डिवाइडेड बाई डी आईसीओ, तो आप कहोगे आईसीओ के रेस्पेक्ट में करना चाहिए, आईसीओ के रेस्पेक्ट में नहीं करूँगा मैं, आईसी के रेस्पेक्ट में करूँगा, देखिए क्यों, सिंपल होगा हमारा काम। तो आईसी के रेस्पेक्ट में अगर मैं इसको करूँगा तो डी आईसी डिवाइडेड बाई डी आईसी होगा, सिंपली 1 लिख सकता था बट लेटेस्ट नोट,
गो सो फास्ट. सो इसको लिखेंगे बीटा, तो मेरा कांस्टेंट, तो बीटा कॉपी हो जाएगा, डी आई बी डिवाइडेड बाई डी आई सी हो जाएगा यहाँ पे, प्लस अगेन वन प्लस बीटा मेरा कांस्टेंट है, यहाँ पे हो जाएगा डी आई सी ओ डिवाइडेड बाई डी आई सी. ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान से देखें यहाँ पे, ये जो मेरा डी आई सी बाई डी आई सी है, यही तो कुछ एस जैसा दिख रहा है, बस अंतर ये कि उसका रेसिप्रोकल है. तो इसकी वैल्यू 1/s होगी, है ना, ये s की वैल्यू ये, तो इसकी वैल्यू 1/s होगी, इसका रेसिप्रोकल है ये. तो वही चीज़ मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, देखिएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, बीटा इंटू डी आई बी डिवाइडेड बाई डी आई सी प्लस 1 प्लस बीटा, इसकी वैल्यू 1/s है, तो 1/s मैंने यहाँ लिख दिया. अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे आप, इधर s चला जाएगा वगैरह वगैरह चीज़ें इधर उधर जाएंगी, तो फाइनली s की वैल्यू आ जाएगी s इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा इंटू डी आई बी डिवाइडेड बाई डी आई सी, एंड दिस विल बी आवर फाइनल वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर. इसमें स्टेबिलिटी फैक्टर का ये फ़ायदा ये हो रहा निकालने का, कि यहाँ पे आप बीटा आई बी जो बेस करंट होता है, कलेक्टर करंट होता है, बीटा होता, इन चीज़ों पे डिपेंड करने लगा, जो कि मेरे लिए इजी है. ये तो मैं हमेशा अपने ट्रांजिस्टर करेक्टरिस्टिक्स में नोट करके रखा हूँ, तो मेरी स्टेबिलिटी फैक्टर आराम से पता चल जाएगी. जब भी एक ट्रांजिस्टर, मान लो सपोज आपने एक ट्रांजिस्टर लिया और किसी ने बोला एक यहाँ रजिस्टर लगा दो भैया, एक यहाँ रजिस्टर लगा दो, एक यहाँ रजिस्टर लगा दो, कुछ डिजाइन करके देखो, और ऐसे ऐसे यहाँ पे वीसीसी लगा दो, वीसीसी लगा दो, यहाँ कुछ वीवी लगा दो, अब देखो कि इसका एस की वैल्यू कितना आ रहा है. तो यहाँ पे आई सी की वैल्यू पता रहेगी, आई बी की वैल्यू पता रहेगी, बीटा की वैल्यू पता रहेगी, तो हम स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू पता कर सकते हैं. सपोज स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू इज क्लोज टू वन, तो ये बहुत बढ़िया वैल्यू माना जाएगा. तो हम कह सकते हैं कि इस तरह की सर्किट जब हम डिज़ाइन करेंगे या बायसिंग करेंगे, तो एक अच्छी स्टेबिलिटी देगा वो. तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर पैरामीटर दैट कैन बी अ डिज़ायरेबल, और कह सकते हैं दैट इज़ अ गुड काइंड ऑफ बायसिंग सर्किट. तो अगले चैप्टर हमारा जो होगा बायसिंग, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ बायसिंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर, उसमें स्टेबिलिटी फैक्टर के बेसिस पे हम उस पर्टिकुलर टेक्निक ऑफ बायसिंग को अच्छा या बुरा मानेंगे. ठीक है, तो स्टेबिलिटी फैक्टर ये जरूर याद रखिएगा, इसके बेसिस पे बहुत न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी दिए जाते हैं. एंड स्टेबिलिटी फैक्टर इज सिंपल टर्म ऑफ मैथमेटिक्स, बट व्हाट वाज एक्चुअली एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या था, फिजिकल सिग्निफिकेंस स्टेबिलिटी फैक्टर का क्या था, स्टेबलाइजेशन क्या था, उससे पहले थर्मल रनवे की बात भी आपको समझ में आ गई होगी. थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.